आज हम आलू पालक पनीर के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पालक को धोकर साफ़ कर लेंगे। एक बर्तन में पानी गर्म करके इसको उबाल लेंगे। ज़्यादा देर नहीं उबालना, 10 मिनट के लिए उबालना है। उसके बाद पानी से निकाल कर रख लिए हैं। अब इसको हम मिक्सी की जार में ट्रांसफ़र करके बारीक पीस लेंगे। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आलू और पनीर को ग्रेट करके रख ली हूँ। दोनों को, आलू और पनीर दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें 2 चम्मच के लगभग बेसन डाल देंगे। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी जीरा पाउडर, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता भी इसमें ऐड कर देंगे और कोफ्ते तैयार कर लेंगे। एक बॉल में 1 चम्मच बेसन घोल कर रखेंगे, उसमें कोफ्ते को डिप करके फ्राई कर लेंगे। सभी कोफ्ते को इसी तरह से फ्राई कर लें। कोफ्ता फ्राई हो गया है। अब एक कढ़ाई में 2 मीडियम प्याज और 1 टमाटर को फ्राई कर लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गोल्डन ब्राउन हो चला है प्याज। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें लहसुन, मिर्ची और अदरक डाल देंगे। इसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा चलाएंगे। अब मसाला, इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ी नमक डाल देंगे और ये पिसा हुआ जो प्याज और टमाटर का पेस्ट था उसको भी इसमें डाल देंगे। इसको 2-3 मिनट भुनना, ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि ये भुना हुआ है। अब पालक का भी पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें। दो तीन मिनट ढक के पकाएंगे। अब देखिए ये हो चला है। इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा, हम डाल दिए हैं, गाढ़ा लग रहा था। अब हो चला है। अब इसमें हम सारे कोफ्ते को ऐड कर देंगे एक एक करके। इसे हल्के हाथों से डालना है और इसके ऊपर ग्रेवी को हम डाल देंगे। 2-3 मिनट इसको चूल्हे पे रहने देंगे बस। अब इसमें बटर डाल के गैस ऑफ कर देंगे। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। एक बार आप भी बनाएं।